अभी अभी गार्ड गार्ड भाई गार्ड गार्ड आ रहे हैं उधर आ गया यार मेरे गार्ड आई होप यहां पे कैमरा भी ना हो जाए कैमरा हुआ तो मैं पकड़ा जाऊंगा शिट 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 गाइस ये गेम रूम है और मैं ऐसे एरिया में एग्जिट हुआ था जहां पे सन्नाटा भाई भूतिया बंगला बज रहा था मुझे एक चैलेंज किसी ने दिया है आइए देखते हैं ये चैलेंज पूरा कर पाता हूँ या नहीं चलो मेरे साथ अब हम जा रहे हैं लास्ट एंट्री होती है मॉल में वो 11:30 बजे होती है तो हमें 10 मिनट में मॉल में पहुंचनी थी मेरे घर के बिल्कुल पास है और आज मैं रुकने वाला हूँ मॉल में तो आई होप कि मैं रुकूंगा गार्ड आ रही है मुझे धक्के मार के बाहर ना निकाल दे यार ठीक है चलो तो गाइस रात के 11:30 बज चुके हैं एक बार टाइम दिखा दो 11:33 और मैं घर से निकल चुका हूँ और फिलहाल मेरे साथ रोमन भाई मैडी भाई ये मुझे मॉल के बाहर छोड़ देंगे आई होप कि मैं इतना लेट ना हो कि एंट्री का टाइम बंद हो जाए क्योंकि मुझे एंट्री परमिशन से लेनी है बट मैं पूरी रात वहीं पर रुकूंगा और उसके बाद मैं सुबह को एग्जिट लूंगा सुबह को मैंने सोचा है मैं 5 बजे वहाँ से निकल जाऊंगा जिससे कि लाइक मतलब ज्यादा दिन ना हो ठीक है तो अभी हम जा रहे हैं मॉल में और फिर ये वहाँ से निकल जाएंगे फाइनली मैं एंट्री लेने जा रहा हूँ इस मिशन पे मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं पूरी रात में ना तो कुछ खाऊंगा ना मैं पानी पीऊंगा मैं कुछ भी अपने हाथ में नहीं लेके जा रहा हूँ देखो बिल्कुल खाली हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं अभी मैं लेने वाला हूँ एंट्री वैसे एंट्री के भी 5 मिनट का टाइम हो रहा है बट मैं पहले ही ले रहा हूँ ठीक है भैया चेक कर लो एंट्री लेते ही फिर मैं निकल गया और 1 घंटे बाद फिर क्या हुआ देखो सब भाग के निकल रहा हूँ यहाँ देखो कोई भी नहीं है मैं अगर आपको दिखाऊँ ना देखो पूरा खाली पड़ा है और मैं चुपचाप छुप छुप के जा रहा हूँ मैं सच बात बताऊँ मान लो यहाँ पे अभी अंकल आ रहे हैं अभी अभी गार्ड 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 आ रहे हैं मैं आपको टाइम दिखाता हूँ क्या हो गया मुझे टाइम बज रहा है 1:31 हो रहा है गाइस और मैं यहाँ पे छुपा हुआ बैठा हूँ मैं आपको चुपके से ना गार्ड भैया दिखाता हूँ देखो उधर खड़े हैं यहाँ ये गार्ड भैया अगर मैं गया ना तो मैं सच में पकड़ा जाऊँगा मैं आपको बता रहा हूँ मॉल के साइड में निकल के जा रहा हूँ और अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं है यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका है और ये वो टाइम था जहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि भाई गार्ड ने मुझे देख लिया और जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ तो मैं अंधेरे की तरफ भागा और मैं जाके छुपने लगा और छुपने के लिए मुझे सबसे बेस्ट चीज मेरे दिमाग में आई कि मैं स्टेयर्स की तरफ जाता हूँ और स्टेयर्स पे पहुंचते ही और आई होप कि यहाँ पे कैमरा भी ना हो अगर कैमरा हुआ तो मैं यहाँ पकड़ा जाऊंगा मेरी हालत खराब हो रही है गार्ड भैया उधर से देख रहे थे देखो और मैं यहाँ को झाँक रहा हूँ अगर कोई आएगा तो मैं नीचे भाग जाऊंगा ठीक है मैं मिलता हूँ आपसे आधा पौन घंटे बाद ठीक है हो मन हाय गाइस मेरे से ना रुका नहीं जा रहा है अब मैं मतलब मुझे लगा था बहुत आसान होगा बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं है मेरी हालत खराब हो रही है मुझे डीड आ रही है और सबसे बड़ी बात मुझसे गलती हुई है कि मैं पानी नहीं लेके आया यार पूरी रात बिना पानी के मेरा गला सूख रहा है मेरी हालत खराब ऊपर से मैं तब से भाग रहा हूँ तो आपको पता है मैं आप 5th फ्लोर की स्टेयर्स पे आके बैठा हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरी हालत खराब हो रही है देखो टाइम देखो मतलब 2:21 हो रहे हैं और मतलब 1 घंटा मुझे यहाँ बैठे बैठे हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे बहुत प्यास लग रही है अभी हम चलते हैं बहुत गर्मी है मतलब इतनी गर्मी है ना मेरी हालत खराब हुई पड़ी है आप यहाँ से देखो मैं कौन से फ्लोर पर हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ बंद करके चले गए हैं और यहाँ पे कोई भी गेट नहीं खुल रहा है मेरी हालत इसलिए खराब हो रही है कि सुबह तक मैं इस गर्मी में रह कैसे पाऊंगा यहाँ से तो मैं जैसे तैसे बाहर आ गया पर जब मैं बाहर आया और मेरी नजर पड़ी बिल्कुल खाली मॉल
और मैं ऐसे एरिया में एग्जिट हुआ था जहां पे सन्नाटा भाई भूतिया बंगला लग रहा था। गाइस अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 3:32, मतलब 3:30 बज चुके हैं और उधर ना गार्ड भैया बैठे हैं। देखो मैं आपको कैसा दिखूँ, मेरी फट रही है यार लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी हालत ख़राब हो रही है और मैं चुपचाप इसके पीछे आ गया। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो मुझे दिख रहे थे, एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा गार्ड भैया बैठे हैं, अब वो इधर आ गए तो मैं पकड़ा जाऊँगा। मेरी हालत ख़राब हो रही है यार, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। 3:30 बज गए हैं, करीब 4 घंटे मुझे यहाँ पर हैं। गाइस यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल पड़ गई, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं। लाइट जला के रखते हैं 3 बजे तक, मुझे नहीं पता क्यों बट यहाँ पर काम चल रहा है कुछ। सुबह के कितना टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है 4:54, मतलब 4:54 हो रहा है और मैं यहाँ से बस निकलने वाला हूँ और मेन गेट बंद है और मुझे अब पार्किंग की तरफ से जाना पड़ेगा क्योंकि मॉल के सेंटर में बिल्कुल लेबर काम कर रही थी और गार्ड भैया की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल चलने लगा। बट सडनली फिर क्या हुआ, मुझसे गलती ये हो गई, मैं स्टेयर्स में से बाहर निकल के आ गया। आई डोंट नो मैं आपको दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, मगर मुझे अभी फिलहाल यहाँ पे छुपना पड़ेगा। पूरी रात मॉल में काम चलता है, ऐसा नहीं है कि पूरा रात मॉल बंद रहता है, लोग रहते हैं यहाँ पे। सुबह के 5 बज गए, मैं एग्जिट लेने वाला हूँ, तब मैं निकल रहा हूँ। ये वो टाइम था जब मैं निकलने लगा था और गार्ड की नज़र एकदम मुझे पड़ी तो मैं भाग के सीधा वॉशरूम के अंदर छुप गया। मैंने वॉशरूम में तब तक रुका जब तक कि गार्ड निकल नहीं गया। जो भी मुझसे हुआ वो तो जाने दो, बट जब मैंने देखा सेंटर ऑफ मॉल पे पूरी रात काम करते हैं तो मैंने सोचा एक क्लिप यहाँ से ले लेते हैं और देखो कितने आराम से काम कर रहे हैं। अब मुझे यहीं से क्रॉस करके निकलना था। गाइस मैं यहाँ पे छुपा हूँ, देखो मैं किसके पास बैठा हूँ, मुझे मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से निकलती सीधा मुझे एग्जिट लेना है। सुबह 5 बजे का हाल है, टाइम देखो सुबह 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। गाइस फाइनली मैंने मॉल में पूरी रात स्टे किया, ये चैलेंज लिया। पहले तो एक टाइम पे मेरी एनर्जी बहुत हालत डाउन हो गई थी क्योंकि मुझे ना जो इनका जो इमरजेंसी एग्जिट होता ना स्टेयर्स वाला, वहां पे मैं लॉक हो गया था 2 गेट में, क्योंकि जो 2 गेट थे जहां से मैंने एंट्री करी थी वहां से और उससे ऊपर वाला उन्होंने लॉक कर दिया था। देन उसके बाद में जो उससे ऊपर वाला गेट था वो मुझे खुला मिला, फिर मैं वहां से भागा, मैंने पूरे मॉल का एक राउंड लिया। लाइक मेरे लिए खुशी की बात है कि 2 गार्ड भैया मुझे मिले और वहाँ पे काम कर रहे थे, मतलब ऐसे ना मैं नॉर्मल वॉक करके निकल गया, उन्होंने मुझसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मेरे लिए ये अच्छी बात हो गई कि उन्होंने मुझसे फालतू की पूछताछ नहीं की और फिर मैं वहाँ से बस भागा। तो दिखा दूँ कौन आ रहा है मुझे लेने, मुझे मेरी थार आ रही है लेने, देखो इधर से आ रही है थार। तो गाइज गुड नाइट, थैंक यू, आई मीन गुड मॉर्निंग हो गई आप लोगों की, गुड नाइट, थैंक यू। थार आ चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ। अबे यार तुम ऊपर यार दो बार गॉड आया, बच बच के भाग रहा हूँ गॉड से। नहीं मिलो भाई, लिटरली ना गार्ड ऐसे मेरे बिल्कुल सामने और मेरी मैं भाई नीचे बैठ गया, मैं लेट गया बिल्कुल, मुझे यहाँ पे शेर आ गया ना उसके बराबर में जाके लेट गया। अबे तुम्हें पता है स्टेयर्स पे सालों में जहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है ना वहाँ पे जाके मेरे यार 2 गेट लोग हो गए, मेरी फट गई मैं, और वहाँ पे ना एसी ना कुछ, भाई वहाँ पे ना गर्मी इतनी लग रही, पसीने इतना आ रहे, हालत खराब हो रही। ऐसे चैलेंज मत दिया करो यार, ये रिस्क डालता अपने आप को। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ इस चैलेंज के लिए कम से कम यार 1 लाइक बनता है और नेक्स्ट चैलेंज क्या करना है आप प्लीज कमेंट करके बता देना। एंड लव यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द लाइक बटन।